स्वयं सहायता समूह के साथ बैठक के दौरान भिवानी चरखी दादरी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह के द्वारा स्वयं सहायता समूह के द्वारा सामान बनाने की मशीनें और बेचने के लिए बाजार की व्यवस्था का आश्वासन दिया गया। चरखी दादरी के लघु सचिवालय परिसर में की गई स्वयं सहायता समूह की बैठक में महिलाओं के द्वारा सीधा संवाद क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह के साथ किया गया। सांसद धर्मवीर सिंह के द्वारा हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से उनके कार्य को बढ़ाने और ज्यादा आजीविका कमाने के लिए सीधे तौर पर सुझाव मांगे गए थे, जिसके बाद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा अपने अपने सुझाव बैठक के माध्यम से रखे गए, जिनको सांसद धर्मवीर सिंह के द्वारा पूरा करने का आश्वासन दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा सामान बनाने से संबंधित मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाए जाने की मांग की गई थी। साथ ही बने हुए सामान को बेचने के लिए बाजार उपलब्ध करवाने की मांग की गई थी, जिन पर सांसद धर्मवीर सिंह के द्वारा सभी को आश्वासन दिया गया कि वह पूरी कोशिश करेंगे कि सभी को मशीनें और बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएं। उनके द्वारा कहा गया कि आज उनके द्वारा सुझाव लिए गए हैं, जिनको जल्द ही विभाग की मदद से पूरा करवाने की कोशिश की जाएगी। नहीं, हमारी खास मीटिंग का मकसद तो जो खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट, वो एक ऐसा तबका है जो सबसे कमजोर तबका माना जाता है, क्योंकि उन परिवारों में ना जमीन होती, ना व्यापार का दूसरा साधन होता, ना सर्विस होती। वो अपने ग्रुप के माध्यम से NRLM एक स्कीम है भारत सरकार की, लाइवलीहुड जिसको हम बोलते हैं, उस काम को बढ़ाने के लिए और स्कोप कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो हम उसको एग्रीकल्चर सेक्टर से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ज़मीन में बहुत सी चीज़ें ऐसी पैदा होती हैं जिसका फ़ायदा लेके हम, और ख़ासकर कोविड जैसी बीमारियों में, उनसे बना हुआ उत्पाद अगर हम बढ़ाएंगे जो सस्ता भी बनेगा और बढ़िया भी बनेगा, उसके लिए सभी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के कुछ एक सारे ग्रुप तो नहीं बुलाए, लेकिन कुछ एक ग्रुप बुलाए हैं ताकि उनसे विचार करके हम गौशालाओं से भी उनको जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो गवर्नर महोदय हैं देवव्रत जी, उन्होंने गुजरात में इस प्रकार का काम बहुत अच्छी प्रकार से किया है। एक दिन वो भी आएंगे और हम उससे गोबर का खाद है, कीटनाशक दवाइयां हैं, वो गौमूत्र से तैयार होती हैं, यानी ऐसे ऐसे उत्पाद जो जिसका रॉ मटेरियल भी हमें यहीं मिल जाए और उसकी बिक्री भी यहीं हो जाए, और उसको हेल्प के लिए हम चाहे वो MPLAD से पैसा देना पड़े या हमने कहीं और स्कीमों से जोड़ के करें, ये इस आज की मीटिंग का मकसद केवल इतना है कि हम किस प्रकार से उन परिवारों को जिनके पास साधन के आए और नहीं है, उनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अंतर परिवार उत्थान के साथ ही इसको जोड़ा जा रहा है, ये सारी स्कीमों को जोड़ेंगे हम, इसको जो स्टेट के अलग अलग स्कीम हैं या केंद्र सरकार द्वारा जितने भी वो स्कीम हैं वो भी और अलग से भी, हम इनको सबको इकट्ठे करके, क्योंकि हर ज़िले की अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, जो गुजरात की है वो हरियाणा में नहीं हो सकती, जो अंबाड़ा की है वो दादरी में नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ के मौक़ों को देखते हुए कि किस चीज़ से फ़ायदा ज़्यादा क्या होगा, क्या काम दिया जा सकता है और क्या हुनर है उनके पास, हम इसमें चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, स्किल डेवलपमेंट वाले हैं, हम कोशिश करेंगे कि सभी जुड़ जाएँ। वहीं दूसरी तरफ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा खुशी जताई गई कि आज उनके साथ सांसद धर्मवीर सिंह के द्वारा सीधा संवाद किया गया है और उन्हें मशीनें और बाजार उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होगा तो उनकी आय भी बढ़ जाएगी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कार्य भी उपलब्ध होगा। मैंने सर से रिक्वेस्ट की है कि हमारे गांव में है ना ऐसी मशीन लगाई जाए, जैसे गोबर के गमले वगैरह बनते हैं, धूप वगैरह बनती है गाय के गोबर से। सर से बोला है, सर ने हाँ वो लिख लिया कि ठीक है हम आपको दिलवाएंगे, और सर देखो आगे दिलवाते हैं या नहीं दिलवाते हैं। बाकी लेडीज बहुत हमारे गाँव में 11 ग्रुप हैं तो बहुत सारी लेडीज जुड़ी हुई हैं, तो सर लेडीजों की यही रिक्वेस्ट है कि आप है ना गांव में मशीन लगवाई जाए ताकि गमले वगैरह बना के कुछ अपना आगे रोजगार बढ़ाया जाए। पहली बार मीटिंग हुई है, कुछ लगा है कि कहीं ना कहीं सरकार कुछ कर रही है? हाँ लग रहा है,
है सर, सरकार ने महिलाओं को बहुत ही आगे तक बढ़ने की छूट दी है, ताकि महिलाएं पहले गांव में घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब तो बहुत आगे तक पहुंचाया गया है, और आगे पहुंचने की भी हमें हिम्मत दी गई है, और ये सोचते हैं और आगे बढ़ाया जाए हमें। हमें डिस्पोजल ग्लास के लिए मशीन चाहिए और बत्ती और गमले वाली मशीन चाहिए, और सर ने आश्वासन तो दिया है, अब हम देखते हैं मिलता है या नहीं। मेरे ग्रुप का नाम विकास है और मेरे ग्रुप को सहायता के तौर पे डिस्पोजल बनाने वाली मशीन चाहिए सर, उसके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता तो सर कर दो हमारे लिए। जी, अभी सांसद सर से बात हुई है तो उन्होंने कोई आश्वासन दिया है? सर अभी काफ़ी ग्रुपों को सहायता मिली है सर, बट हमारा अभी की बार नंबर नहीं आया, इसलिए हम ये चाहते हैं सर नेक्स्ट टाइम जब भी सर आए तो हमारी हेल्प करें सर। कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? सर हमारे गांव से 90 लेडी जुड़ी हुई हैं। जहां एक तरफ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से सीधे बातचीत कर उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए सुझाव मांगे गए, तो वहीं बैंकों के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण का भी वितरण इस मौके पर किया गया, ताकि ऋण का इस्तेमाल कर वे अपनी आजीविका को और ज्यादा बढ़ा सके। वहीं इस मौके पर स्वयं सहायता समूह के द्वारा एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया। स्वयं सांसद धर्मवीर सिंह के द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया, तो साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा बनाए गए सामान को भी उनके द्वारा खरीदा गया, जिस पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं काफी खुश दिखाई दी। मैं दरी बनाने का काम करती हूँ, मेरी कॉस्मेटिक की दुकान है। जी, आज आपने जो स्टॉल लगाई थी उस पर कुछ सेल हो पाई है? हाँ जी, दो दरी, एक दरी और दो पैदान भी किए हैं, सबने लिए हैं। जी, तो अच्छा लगा जब यहाँ पर आपकी सेल हुई है? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सांसद साहब ने कोई आप लोगों को और आश्वासन दिया है कि ताकि आप लोगों की जो सेल है वो बढ़ सके? जी भी तो कोई वो नहीं है, जैसे बाजार वगैरह खोलने की बात। हाँ जी, मेरे गांव में बहुत ज़्यादा बिकती हैं, गांव में मेरी मतलब बनाती हूँ, गेल गेल बिक जाती हैं। सरकार पूरा समर्थन कर रही है? हाँ जी, सहायताएँ मिल रही हैं? हाँ जी, ग्रुप से मुझे सहायता मिल रही है, मैं धागा लाती हूँ और उस धागे से अपने दरी बनाने का काम शुरू कर। आपकी आजीविका बढ़ी है फिर इससे? क्या जी? इनकम बढ़ी है आपकी? हाँ जी, मैं अपना घर का गुजारा अच्छी तरह से कर सकती हूँ।